guys, welcome back to my YouTube channel DTH Digital Skills. Myself Saba and today I'm back with a new and interesting video. So guys, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर के समझ आ ही गया है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 क्यूट बायो आइडियाज़. जी हाँ दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे बायो आइडियाज़ सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ भी कभी कभी क्यूट लगते हैं, सो उनके लिए भी बायो है. सो फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि मेरा एक और चैनल है जो कि है व्लॉग चैनल. अगर आप चाहते हैं मेरे साथ वहाँ भी कनेक्ट होना तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं. बायो नंबर 1, लेट योर ड्रीम्स बी योर विंग्स. गाइस, इस बायो का मतलब ये होता है कि अपने ड्रीम्स को अपने विंग्स बनाओ. या दोस्तों, ये क्यूट है, मतलब ये कि जो भी आप सपना देखते हो उसको अपने उड़ान बनाओ. क्योंकि आप जब भी सपना देखते हो आप उसको फुलफिल नहीं करोगे तो आप कैसे अपने लाइफ को जी पाओगे. तो होप सो गाइज आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा बायो है बट होप्स आपको क्लियर हो गया होगा. बायो नंबर 2, व्हाट कमिंग इज बेटर देन व्हाट गॉन. गाइस, बायो का मतलब ये होता है कि जो आने वाला है वो ज़्यादा बेटर है जो चला गया उससे. सो गाइज समझाना मतलब इसमें इतना है कि सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में जियो आप. मतलब पास्ट को छोड़ो, जो चला गया वो पास्ट हो गया और जो अभी आ रहा है वो प्रेजेंट है और प्रेजेंट बेटर होता है पास्ट से. सो इतना सा ही मतलब है इस बायो का. नंबर 3, लाइफ इज टफ बट सो यू आर. गाइस, बायो का मतलब ये होता है कि लाइफ टफ है बट तुम भी तो हो. एज सो यू आर का मतलब ये है कि तुम भी तो हो टफ. तो गाइज अच्छा टक्कर दे रहे हो आप अपने लाइफ को भी. मतलब अगर लाइफ टफ है तो आप भी टफ हो, दोनों मिलके इक्वल हो जाओगे. तो होप्स तो समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल परेशानी आती है, आप सफ़र कर रहे हो उससे डे बाय डे और आपको लग रहा है कि वो परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, सो गाइज इतना टेंशन मत लो. आप भी स्ट्रांग हो, लाइफ भी स्ट्रांग है, दोनों मिलकर इक्वल कर लेना. बायो नंबर 4, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ बाय माई सेल्फ. गाइज, बायो का मतलब ये होता है कि मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो भी खुद ही से. मतलब इक्वल ही है. मतलब आप कह रहे हो कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हो बट वर्क करने के लिए कोई आपको कह नहीं रहा है, आप खुद ही अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर इंसान को अपने लाइफ में अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न्स रखना चाहिए कि लाइक दूसरे को हम देखने से पहले हम अपने आप को देखें. तो कुछ इस टाइप का मतलब है इस बायो का. एंड होप सो गाइज आपको ये बायो पसंद आया होगा. बायो नंबर 4, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ. गाइस, बायो का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सोच, आपका दिमाग नेगेटिव वे में चलता है तो ये आप मान के चलो कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होने वाली. क्योंकि अगर आप पहले से ही नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ लेके चलोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा ही नहीं. सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आपको आज के 5 बायोज पसंद आए होंगे. अगर आपको पसंद आए हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी. और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए. मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें.